मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गौसम में। अर्चना गौतम का सच आया सामने वीकेंड के वार पे, वहीं पर प्रियंका चहार चौधरी की आंखें हुई नम। चलिए आप लोगों को बताते हैं एपिसोड से पहले ही ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कटघरे में जो है हर किसी को खड़ा किया जाएगा और वहां पर उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जहां पर अर्चना गौतम की जब बारी आई तब करण जौहर ये कहते हुए नजर आए कि आप इस शो में ये बात बोलती हैं कि आप अकेली खेली हैं, पर सच सामने आया है ये कि आप हर वक्त लोगों का आपने इस्तेमाल किया है। जहां पर अर्चना बोलती है कि मैंने नहीं किसी का इस्तेमाल किया, लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है। जहां पर अर्चना अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने वाली होती है वहीं पर डांट लगाते हैं करण जौहर, और करण जौहर ये बात बोलते हैं कि भाई तुम जब अंकित को बाहर निकालने के लिए तुमने पूरा प्लान किया था ना, तो वहां पर तुम इस्तेमाल करती हो, और जब तुम्हारे इस्तेमाल का तरीका वो हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब तुम अपनी दोस्ती से उनको निकाल देती हो। तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, और इसीलिए तो वहां पर अर्चना बोलती है कि मेरी प्रियंका के साथ लड़ाई हुई थी और उस वक्त जो है मैंने हाँ इससे बदला लिया क्योंकि मैं निकालना चाहती थी। जहां पर करण ने ये बात बोली है कि आप इनसिक्योर हैं और प्रियंका चहार चौधरी के लिए आपको लगा कि भाई जब तक अंकित है तब प्रियंका आपकी दोस्त नहीं बनेगी, और उसके बाद जो है आपने अंकित को मिलके जो है सब लोगों के साथ बदला लिया और अंकित को निकाल दिया, और उसके बाद जो है आप जाके प्रियंका के सामने खड़ी हो गई। जहां पर प्रियंका भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देती हुई नजर आती है। प्रियंका का कहना यह है कि हाँ सर, ये ऐसी है, ये दिल में रखती है ग्रजेस और उसके हिसाब से जो है ये चीजें करती है। जहां पर प्रियंका के सामने ये सच आया वहीं पर प्रियंका की आंखें भी नम हुई कि भाई अर्चना ने जो दावा करती कि वो बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मिलकर जो है अंकित को निकाला, मुझे अकेला किया है, जो कि आज के एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।